subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पिन कैपेसिटर की वायरिंग जो होती है वो कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका फंक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर देख रहे होंगे, ये 3 पिन का कैपेसिटर है, इसकी वायरिंग क्या होती है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शुरू से शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दो वायर आपको देखने को मिल जाएगा, 1 और 2। ये आपको एक फेस है और एक न्यूट्रल है, इसमें से कोई भी एक फेस कोई भी एक न्यूट्रल दे सकते हैं। तो और ये पावर कहाँ से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर इसमें ये वाला न्यूट्रल है या ये वाला फेस है तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, और ये जो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये दूसरा पॉइंट तो आपको पीसीबी से आ रहा है। जब पीसीबी का कमांड आता है, यानी जब पीसीबी से जो एक पावर आता है, फेस का जो पावर आता है जो आउट होता है वो उसको हम कमांड बोलते हैं। सीपी का वायर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो जैसे ही फेस से पीसीबी से यहाँ पे फेस आता है तो आपका ये न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा होता है, तो फेस भी मिल जाता है। जैसे फेस मिलता है तो पावर आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाली, ये ब्लू कलर की है और ये रेड कलर की है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको सिंपली आपको एक पावर जो है आपको कैपेसिटर पे दे दिया जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं एक आप दूसरा कैपेसिटर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 4 पिन का वायर है, 4 पिन का पॉइंट है, और ये इसमें 3 पिन है और ये इसमें 2 पिन है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे एक हर्म लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको फैन लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमन का जो पॉइंट है इसमें 4 पिन होता है और इसमें 3 और इसमें 2। तो यहाँ पे फैन का स्टार्टिंग का पावर आता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो 2 पिन वाला का जो पॉइंट है इसमें, ये कंडेंसर फैन का जो स्टार्टिंग का वायर है ये इसमें आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंडेंसर फैन का स्टार्टिंग, और उसके बाद से यहाँ पे ये जो 3 पिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 3 पिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 3 पिन। तो ये 3 पिन में आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला वायर, ये 3 पिन में लगा हुआ है। तो ये 3 पिन में आपको कंप्रेसर का स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा, और ये इसमें कंप्रेसर का स्टार्टिंग लगाते हैं। और ये रही बात 4 पिन की, तो 4 पिन यहाँ पे आप जैसे कि मैं बता दूं, ये कॉमन का पॉइंट है, इसमें आपको एक फेस मिल जाएगा या न्यूट्रल कोई भी आप पावर दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ से हमको रनिंग का, कंप्रेसर का रनिंग और कंडेंसर फैन, यानी जो ये कंडेंसर फैन आप देख पा रहे होंगे, इसका रनिंग का जो पावर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला स्टार्टिंग है, और आपको इसमें ये वाला रनिंग मिल जाएगा। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का जो वायर दिख रहा है आपको, ये रनिंग का वायर है। तो ये रनिंग आपको कैपेसिटर से मिल जाएगा 4 पिन वाले में से। यहाँ पे जो 4 पिन का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रनिंग का लग जाएगा, और यहाँ पे एक फेस आ रहा है, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फेस हो या न्यूट्रल हो उसका कोई बात नहीं है, इससे आप कोई भी दे सकते हैं, फेस भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर यहाँ पे आप फेस दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा, और यहाँ पे न्यूट्रल दे रहे हैं तो यहाँ पे फेस देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको कॉमन का पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपका जो पावर यहाँ से आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो पावर आ रहा है, यहाँ से आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये जो येलो कलर का जो वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ से जो पावर आ रहा है ये इसमें रेड वाले में, तो यहाँ से आपको कॉमन जा रहा है, कॉमन जा रहा है आपके कंडेंसर फैन के लिए, और आपको जो कॉमन जा रहा है ये कंप्रेसर के लिए भी कॉमन जा रहा है, जो यहाँ पे आपको वायर देखने को मिल रहा है। तो 3 पिन की वायरिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।